नेपाल में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, भूस्खलन और बिजली गिरने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 की मौत बिजली गिरने से हुई है। वहीं बाढ़ के कारण 1 की जान चले गई। लामजगम जिले में रात भर हुए भूस्खलन में 3 घर बह गए। वहीं जिला प्रशासक बुद्ध बहादुर गुरुंग ने इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता दीजन भट्टाराई ने कहा कि 26 जून को हमने 44 मामले दर्ज किए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसमें 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 8 की मौत भूस्खलन के कारण, बिजली गिरने से 5 की मौत और बाढ़ में डूबने से 1 की मौत हो गई। वहीं भूस्खलन के कारण 2 लोग लापता हो गए, जबकि अन्य 10 घायल हैं।